देवास में कृषि उपज मंडी में किसानों के अनाज बड़े टोल कांटे पर तुलवाने का निर्णय लेने के विरोध में हम्माल और तुलावटियों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर मंडी गेट पर धरना दिया है। हम्माल और तुलावटियों की मांग थी कि वर्तमान में हम्माल द्वारा छोटे कांटे से अनाज तोला जाता है, जिससे मंडी में कार्यरत हम्माल और तुलावटियों के परिवार का जीवन यापन होता है। इस तरह के निर्णय से आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी, इससे परिवार को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर हम्माल तुलावटी यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। हड़ताल के लिए इसलिए बैठे हैं कि मंडी से अभी हमको एक लेटर मिला है 1 तारीख के रोज कि आपको हम्मल तुलई नहीं दी जाएगी, बड़े कांटे से तोल होगा। इस विरोध में प्रदेश लेवल पर सभी मंडियां बंद है, हमने हड़ताल करी है। प्रदेश सरकार ने अभी नया निर्णय लिया गया है कि बड़े तोल कांटे से तोल करके उसको किसान ढोल देगा तो हम्माल को हम्माली और तुलई नहीं दी जाएगी। इस नीति से प्रदेश सरकार ने कम से कम 10 लाख परिवार को बेरोजगार कर दिया हम्मालों को, और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के विरोध में सभी मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है और हम भी धरने पर बैठे हैं। कम से कम कितने हम्माल हैं यहाँ अपने मंडी में? कम से कम 1000 हम्माल है और 100 तुलावटी है देवास मंडी में। आपने सचिव से बात करी थी तो क्या बोला? सचिव साहब को लेटर दिया है हमने, सचिव साहब ने बोला कि ये प्रदेश सरकार का आदेश है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार की नीति है। और कमल पटेल मंत्री जी उनसे भी मिले थे हम, तो उनने भी बोला कि मैं तो किसान हिते थे, किसान के लिए ही ये मैंने करा है, किसान का इसमें फायदा है, बाकी उसमें ये नहीं मालूम कि मजदूर कितने बेरोजगार हो जाएंगे। अभी कभी आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या आंदोलन? बस आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, कोई भी हम्माल और तुलावटी कुछ भी कार्य नहीं करेगा, व्यापारी का काम भी नहीं करेंगे हम। किसान जो अभी से जब से मंडी स्थापना हुई, जब से हमारी तुलई और हम्माली दिया जा रहा है, उसने कभी विरोध नहीं करा मंडी में तुलई या हम्माली देने से। आज हमारे कृषि मंत्री जी है जो कमल पटेल जी, उनको ये मालूम नहीं है कि प्रथा नई लागू कर रहे हैं हम, के या पुरानी बरसों से चली आ रही है ये प्रथा। इसमें कमल पटेल जी को ये नहीं मालूम है कि ये किसान ही देता आ रहा है हम्माल को, तुलावटी को, जो समाज को। ये बरसों पुरानी बात है, जब से मंडी की स्थापना हुई है जब से ये पैसे देते हो आ रहे हम्माल। हम्माल की पंचायत बुलाइए, कमल पटेल से हमारा निवेदन है कि कमल पटेल जी आप किसानों की पंचायत बुलाओ और उनसे पूछो कितने किसान हम्माल तुलावटी के विरोध में, क्या हम नहीं देना चाहते इनसे। हम 100 में से 5 भी ऐसा किसान नहीं जाएगा कि तुलावटी और हम्माल ही देने को नकारा कर रहा है। सब कह रहे हैं ये मजदूरी किसान देने से मना नहीं कर रहा, सिर्फ कमल पटेल जी को इसका नियम क्या मालूम, क्या बात है जो उनने पूरी जानकारी ली नहीं और ये हम दो ही समाज पे लागू कर दिए हम्माल और तुलावटी के ऊपर। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।